जय हिंद एवरीवन। आज 3 अगस्त है और बी जिस सेंटर में रुड़की में इंडियन आर्मी रैली भर्ती का सबसे अंतिम दिन था। आज के डेट में जो रिपोर्ट आई है कितने बच्चों का ग्रुप बना था, टाइमिंग क्या दी गई थी और अराउंड कितने बच्चे वहां पे गए थे और कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है, ये सब कुछ जानकारी देने वाले हैं रैली भर्ती से संबंधी। जो आज की डेट में यानी 3 अगस्त के डेट में रैली भर्ती हुई है बीईजी सेंटर में स्पोर्ट्समैन की, तो रैली भर्ती से संबंधी पूरी जानकारी देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें ग्रुप जो तैयार करवाया गया था, अराउंड जो वहां पे बच्चे करीबन गए थे वो 10,000 के आसपास बच्चे गए थे और बाकी अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग बैच तैयार करवाया जा रहा है। जो फर्स्ट बैच जो आपका बना था वो 400 का ग्रुप बना था, यानी पहला जो आपका बैच तैयार करवाया गया था उसमें 400 बच्चे थे और उसमें से जो बच्चे को लिया गया था 13 बच्चे को लिया गया था, 13 में 3 बच्चे को एक्सीलेंट लिया गया था और 10 बच्चे को इसमें गुड माना गया था। मतलब फर्स्ट बैच जो आपका एथलेटिक्स वाला का तैयार किया गया था स्पोर्ट्समैन वाला का, उसमें आपको 13 बच्चों को लिया गया था, 3 एक्सीलेंट और 10 आपका गुड था, 400 का ग्रुप बन रहा था। और इसमें जो आपकी टाइमिंग दी जा रही है, टाइमिंग भी आपकी ठीक ठाक दी जा रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इसमें। भीड़ मैं ऑलरेडी पहले बता दिया कि 10,000 के आसपास बच्चे गए थे और बाकी अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग बच्चों को बैच तैयार करवाया जा रहा है। मान लीजिए कोई गेम में कम बच्चे हैं तो उसके बाद दूसरे गेम वाला बच्चे को मिक्स करके एक साथ रनिंग करवाया जा रहा है। तो कितने बच्चों को पकड़ा जा रहा है, टाइमिंग मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूं क्योंकि अभी तक टाइमिंग का कुछ भी रिपोर्ट नहीं आया है। कितने बच्चे पकड़े गए हैं ये मैं ऑलरेडी पहले आपको बता दिया और कितने का ग्रुप बन रहा है, यही आपका ग्रुप बना है जो आपका रैली भर्ती का अंतिम दिन था 3 अगस्त, जो स्पोर्ट्समैन की रैली भर्ती हुई थी। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।